हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद अमृता। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा आप देवघर कैसे जाओगे, कहाँ रुक सकते हो, बाबा बैद्यनाथ धाम जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है उनका दर्शन कराया और साथ ही में संध्याकालीन का भव्य आरती भी दिखाया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी बाबा वासुकीनाथ मंदिर, टिकुट पहाड़, तपोवन पहाड़, नौलखा मंदिर और इन जगह से जुड़ी जो सब पौराणिक कहानी है वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। और अंत में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बाबा बैद्यनाथ धाम का गर्भगृह का श्रृंगार दर्शन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद मैं पहुंची शिवगंगा, जो मंदिर से बस 5 मिनट्स वॉकिंग ही है। यहाँ का मान्यता है भक्तजन पहले यहाँ पे आके स्नान करते हैं फिर मंदिर जाते हैं जल चढ़ाने। अभी ऑटो करके जा रही हूँ वासुकीनाथ, बैद्यनाथ जी के दर्शन तो हो गए। शिवगंगा के पास ही ऑटो स्टैंड है, वहीं से मैंने ऑटो रिजर्व किया आज पूरा दिन देवघर का लोकल साइट सीन देखने के लिए। मैं कवर करूंगी बाबा वासुकीनाथ धाम, त्रिकुट पर्वत, तपोवन हिल्स, नौलखा मंदिर। ये सारा स्पॉट्स घुमाने के लिए ऑटो वाला चार्ज कर रहा है 900 रुपीज। यहाँ पे आप थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेना। बाबा वासुकीनाथ धाम जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में आपको त्रिकुट पहाड़ भी देखने को मिलेगा। मैं मंदिर पहुंच चुकी हूं, ये ऑटो स्टैंड है। अब यहां से मंदिर है 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस, इसके आगे ऑटो और नहीं जाती। अभी पहुंची हूं वासुकीनाथ धाम, ऑटो से 1 घंटा लगा बैद्यनाथ धाम से यहां तक आने के लिए। और यहां से मंदिर का मेन प्रांगण एरिया स्टार्ट हो रहा है और मंदिर के बाहर ही आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद बाबा वासुकीनाथ का दर्शन करना अनिवार्य है, उसके बिना आपका यात्रा अधूरी मानी जाती है। और मंदिर के पास ही आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहां से आप फूल बेलपत्र आदि ले सकते हो पूजा के लिए। और ये है मेन मंदिर का गेट, यहां से मंदिर की एंट्री होती है। ये है बाबा वासुकीनाथ का मूल मंदिर जो भगवान शिव स्वयं है। यहाँ पे माता पार्वती जी का भी मंदिर है और यहाँ पे भी मान्यता है भगवान शिव के मंदिर से माता पार्वती जी का मंदिर तक डेली दौड़ बांधा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा वासुकीनाथ का इतिहास सागर मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है सागर मंथन के दौरान पर्वत को मथने के लिए वासुकी नाग को मध्यम बनाया गया था। वासुकी नाग ने इसी स्थान पे भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी, इसी कारण यहाँ विराजमान भगवान शिव को वासुकी नाग कहा जाता है। बाबा वैद्यनाथ धाम की तरह यहाँ पे भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वो तो आप देख ही पा रहे हो। यहाँ भी आपको हाथ में थोड़ा टाइम लेकर आना होगा। और मंदिर परिसर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और भी मंदिर हैं, उनका भी दर्शन आप जरूर करना। बाबा वासुकीनाथ के दर्शन के बाद अभी रुकी हूँ घोरमारा। यहाँ का पेड़ा बहुत ही टेस्टी और फेमस है। आप जब वासुकीनाथ से रिटर्न जाओगे तभी आपको घोरमारा स्टॉपेज दिख जाएगा और यहाँ का पेड़ा तो वर्ल्ड फेमस है। और सुखारी मंडल पेड़ा भंडार जो आपको दिख रहा है ये यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट शॉप है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ का पेड़ा आप जरूर लेके जाना, बहुत ही टेस्टी है। वासुकीनाथ से त्रिकुट पर्वत का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। अभी आई हूँ त्रिकुट पर्वत घोरमारा से। वासुकीनाथ से त्रिकुट पर्वत आने में आपको लगभग 45 मिनट्स लग जाएंगे। पहले पहाड़ चढ़ने के लिए रोपवे सिस्टम था, लेकिन अप्रैल 2022 में एक दुर्घटना के कारण रोपवे बंद हो गया है। अभी आपको ऊपर चल के ही जाना होगा। और अगर आप यहाँ का इतिहास जानना चाहते हो तो जरूर से आप एक गाइड कर लेना, मैंने भी किया था, 100 रुपीज चार्ज पड़ेगा उसका। ये सामने आप जो देख रहे हो
इसको ये पत्थर को हाथी पत्थर कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति हाथी के जैसी है और ये पूरा नेचुरल है। त्रिकुट पहाड़ की तीन चोटियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से है। ये है वो प्राचीन शिव मंदिर जिसको त्रिकुटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है रावण ने यहाँ शिवलिंग की पूजा की थी। रावण शिवलिंग को लंका ले जाने के लिए यहाँ शिव जी की तपस्या की थी और ये है वो प्राचीन शिवलिंग। मंदिर के पास ही एक छोटा झरना है जहाँ अभी लोग पानी भर रहे हैं। कहा जाता है ये पानी पीने से सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। पत्थर है, देख लीजिए नाव जैसा दिखता है। हाँ ये तो नाव है, नोक का पत्थर का जैसा है, समझे। और त्रिकुट पहाड़ काल जलाता है, देखिए त्रिकुट तीन पहाड़ समझ लीजिए। जैसे पहला पर्वत है ब्रह्मा जी का जो बेलपत्र का बगान है, हाँ। जो ले जाता है बाबा बैजनाथ धाम, हाँ। उसके बाद दूसरा है विष्णु भगवान का जो शालिग्राम पत्थर इसमें है, हाँ। उसके बाद महेश्वर पहाड़ है, हाँ। तीनों पहाड़ मिला के त्रिकुट पहाड़ नाम जाना जाता है। अच्छा, यहाँ से देखिए नीचे जो घूम रहे हैं, हाँ। पांच मंदिर एक झरना, हाँ। एक आश्रम है और ऊपर जाइएगा सब रामायण से कहानी जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो, जो रावण, हाँ। यहाँ पे आके मतलब तपस्या किए थे, जो बाबा बैजनाथ धाम जो शिवलिंग है, हाँ, हाँ, तो दोबारा उठाने के लिए इसी पर्वत में तपस्या किया था, हरजोग तपस्या। अच्छा, हाँ, हाँ। अगर जिस टाइम रोपवे था ना, रोपवे से आदमी जाता था, अभी रोपवे नहीं था, हाँ। अभी आदमी पैदल जाता, पैदल जाने में एक घंटा समय लगता है। अच्छा, और यहाँ आपको हनुमान जी की एक बहुत प्राचीन गुफा देखने को मिलेगी और रामायण के बारे में आप बहुत कुछ जान पाओगे। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है, यहाँ आके आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। ये भूमि तपस्वियों की है, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तपस्या करके भूमि को पावन बनाया। अगर आप देवघर आ रहे हो तो यहाँ आप जरूर आना, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ऊपर जाके आपको एक हनुमान जी का खूबसूरत मंदिर मिलेगा और मंदिर के पास ही एक छोटा सा आश्रम है जो ऋषि दयानंद जी का है। यहाँ पे ऋषि दयानंद जी ने घोर तपस्या की थी। ये है ऋषि दयानंद जी का आश्रम, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती। अब इसके आगे ऊपर चढ़ना निषेध है क्योंकि ऑलरेडी 4 बज चुका है और 4 बजे के बाद प्रवेश बंद हो जाता है। और अगर आपको पूरा चढ़ना है तो आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाइए तो आप चढ़ पाओगे। त्रिकुट पर्वत देखने के बाद अभी जा रहे हैं तपोवन। त्रिकुट पर्वत से तपोवन जाने में टाइम लगेगा आपको लगभग 30 मिनट्स। ऑलरेडी शाम का 5 हो चुका है और मैं पहुंच गई तपोवन, यानी तपोभूमि हमारे महान योगी और ऋषियों की। यहाँ का इतिहास जो रामायण से जुड़ा है वो जानने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत होगी, मैंने भी लिया था। 100 से 200 रुपया चार्जेस है। यहाँ पे ऋषि बालानंद ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, ये जो आप सामने देख रहे हो यही ऋषि बालानंद ब्रह्मचारी जी ने 25 वर्ष शिव जी की यहाँ तपस्या की थी। फिर बाद में उन्होंने शिव जी का दर्शन और कृपा प्राप्त किया और ये है शिव जी का मंदिर जिसे तपोनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। तपोनाथ शिव मंदिर रावण को त्रेता युग में दर्शन दिया। तपोवन हिल्स का चढ़ाई बहुत ही थ्रिलिंग है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आके। और यहाँ पे हनुमान जी का एक बहुत ही दुर्लभ मंदिर है, वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह अयोध्या में सीना फाड़ के दर्शन दिखलाया था कि मैं राम का भक्त हनुमान हूँ, उसी प्रकार वहाँ ऐसे एक विराट पत्थर है, उस पत्थर को फाड़ के हनुमान जी प्रकट हो गए और सीता माँ को दर्शन दिए। वही मनोकामना मंदिर है, वहाँ आप जो भी कुछ उनसे मांगिएगा ये आपको 3.5 महीना दूर करते हैं, 3.5 महीना के अंदर वो पूरा करता है। लेकिन वहाँ जाइएगा तो ये मंदिर से उधर आपको पहाड़ी पहाड़ी रास्ता से नीचे उतरना होगा। शाम होने के कारण मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ, ये इसका चढ़ाई बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है। मैं खुद फ्लैशलाइट की मदद से जा रही हूँ। आज बाबा वैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में बहुत ज्यादा भीड़ थी इसीलिए आने में यहाँ लेट हो गया। आप कोशिश करें यहाँ आप 4 बजे तक पहुँच जाओ तो आप सब कुछ बहुत अच्छे से देख पाओगे। बाबा वैद्यनाथ में पूजा किए हैं? हाँ।
वहाँ पर जो शिव है बाबा बैद्यनाथ स्थापना होने के बाद, जब रामचंद्र हनुमान सीता महारानी जब वनवास गई थी और वनवास से लौट के आ रही थी तो यही रास्ते से आ रही थी। ये जो झंडा आप देख रहे हैं, झंडे के पास एक विराट पत्थर है, उस पत्थर के पास जब हनुमान आते हैं तब सीता महारानी दोबारा प्रश्न करती है हनुमान जी से कि हनुमान जी तुम इस पहाड़ पर्वत में रहते हो, यहाँ तुम्हारा क्या प्रमाण है। हनुमान जी कहते हैं कि माँ एक बार हमने तुमको अयोध्या में सीना फाड़ के दर्शन दिखलाया कि मैं राम का भक्त हनुमान हूँ, फिर तुम यहाँ प्रमाण चाहती हो, ठीक है मैं प्रमाण देता हूँ। ये जो झंडा देख रहे, झंडे के पास एक विशाल पत्थर है, उसी पत्थर में हनुमान जी एक अनुज उंगली लेते हैं और 11 बार जय श्री राम का नाम उच्चारण करते हैं और उस पत्थर में ऐसे दाग लगा के एक सीधी रेखा खींचते हैं तो हनुमान की शक्ति से वह पत्थर ऐसे था ऐसे फट जाता है। इसी के अंदर दोनों पल्ले में मूर्ति है, एक तरफ राम सीता एक तरफ हनुमान जी, देखने से लगता है कि कोई आदि मेसनिया छेनिया तोड़ से काट के बनाया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो आप रूप ही है, आप लोग भी देखिएगा। यह देखकर सीता महारानी खुश हो जाती है और वरदान देती है कि जाओ भक्तराज हनुमान, तुमने जिस तरह अयोध्या में सीना फाड़ के दर्शन दिखलाया कि मैं राम का भक्त हनुमान हूँ, यहाँ तुमने जिस तरह पत्थर फाड़ के प्रमाण दिया कि मैं राम का भक्त हनुमान हूँ, यह देखकर मैं अत्यंत खुश हूँ। लेकिन आज से इस मंदिर का नाम मनोकामना मंदिर, मानस मंदिर रखा जाएगा। ये है हनुमान जी का वो दुर्लभ मंदिर जो पत्थर के दरार के बीच में है, जो गाइड दादा ने कहा। और अगर आप दरार के बीच में देखोगे तो आपको हनुमान जी का चित्र नजर आएगा और मान्यता के अनुसार यहाँ पे हर भक्त जन का मनोकामना पूर्ण होता है, इसीलिए इसको मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ पे ध्वजा चढ़ाने का भी परंपरा है, आप चाहो तो चढ़ा सकते हो। बस उसी में चलना है, इसमें अंदर, हाँ अंदर ही अंदर चलना है। बस तपोवन देख के अभी जा रही हूँ, आज का लास्ट स्टॉपेज नौलखा टेम्पल। तपोवन का चढ़ाई सच में बहुत ज्यादा थ्रिलिंग था और थोड़ा सा अगर जल्दी आती तो और भी अच्छा होता। मैं आई हूँ अभी नौलखा टेम्पल, लेकिन ये ऑलरेडी क्लोज्ड है, अभी ऑलरेडी 7 पार हो चुका है, ये तो 6:30 बजे ही बंद हो जाती है, जो मुझे इधर आके ही पता चला। ये है नौलखा मंदिर का चित्र, जिसे बनवाने में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसीलिए इसको नौलखा मंदिर कहा जाता है। तपोवन तो मैंने घूम लिया पर नौलखा नहीं देख पाई, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुका था और बंदी हो चुका था। तो अभी वापस आ गई हूँ फिर से बैद्यनाथ धाम, अभी मंदिर जाऊंगी, एक बार आरती का टाइम हो गया है तो आरती भी देख, अगर देख पाऊँ तो देख लूंगी आरती। बाबा धाम का आरती और श्रृंगार पूजन शाम को 7 बजे चालू हो जाती है। यहाँ पे बिग LED स्क्रीन लगा हुआ है, जहाँ आप मंदिर परिसर में बैठ के ही गर्भगृह का श्रृंगार पूजन देख सकते हो। बहुत सारे भक्तजन भीड़ की वजह से गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल है। मैं रेकमेंड करूँगी आप 7 बजे के पहले ही थोड़ा आ जाओ, क्योंकि बाद में आपको जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा। और आरती मंदिर परिसर के अंदर ही होता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप बाबा धाम आ रहे हो, आरती आप जरूर देखना, वो मिस मत करना। आरती देखने के बाद मैं जा रही हूँ बाबा वैद्यनाथ का श्रृंगार दर्शन करने गर्भगृह में। चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ।
बढ़ जाइए, सब बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। भोले बाबा को आरती देख के मैं पहुंची टावर चौक डिनर करने ऑटो से, जो टेंपल से 5 मिनट्स के दूरी पे है। यहाँ आपको वैरायटी ऑफ स्ट्रीट फूड्स मिल जाएंगे खाने के लिए, और यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है। मैंने खाया था लिट्टी चोखा, जो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। ये ठेला क्लॉक टावर के एकदम नजदीक में है और यहाँ का बहुत ही फेमस फूड है, ये आप जरूर ट्राई करना। टावर चौक में आपको लाइन से काफी सारे शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ आप वैरायटी ऑफ स्ट्रीट फूड टेस्ट कर सकते हो और खाना भी काफी टेस्टी है। टावर चौक में डिनर करके अभी जा रही हूँ होटल, और होटल से अभी बैग पैक करके निकल जाऊंगी स्टेशन, क्योंकि आज रात को ही ट्रेन है 2 बजे, और फिर कोलकाता पहुँचूंगी। गाइज, आपको अगर ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। गाइज, अगर आप बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करके सुबह 9:30 बजे तक मंदिर से निकल जाते हो, तो ये सारे जगह आप एक दिन में कवर कर पाओगे अच्छे से। मैं स्टेशन और ट्रेन का वेट कर रही हूँ, रात का 1:40 बजे ट्रेन है, और आज का पूरा दिन जसीडी में बहुत ही अच्छा गया। जितना हो सका मैंने कवर किया, आप लोगों को दिखाया। तो मेरा ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।